हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम सहजानंद सरस्वती जो कि बिहार के एक बहुत ही बड़े किसानी नेता थे, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन आए उन सभी का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो पूरा का पूरा टॉपिक होगा इसमें सारे के सारे अब तक क्या हुए बीपीएससी के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात तो यह है कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे दोस्तों, उनका जन्म 1889 में यानी 1889 में गाजीपुर जिला में हुआ था, जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया था, मतलब अंग्रेज़ों के सरकार में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था जो कि अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में है। एक्चुअली में ये ब्राह्मण थे पर भूमिहार से लगाव के कारण इनको भूमिहार कहा जाने लगा, पर असल में ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। वैसे तो इन्होंने अपने जीवन का जो पॉलिटिकल करियर था वो गांधी जी से इंस्पायर होकर के करना शुरू किया था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो चंपारण सत्याग्रह करने में सफल रहे थे, तो उस वजह से उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया सहजानंद सरस्वती ने, और देखा कि हम किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, सभी के लिए हम काफ़ी कुछ बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उनकी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग को ये समझ में आता है अब तक कितनी कहानी से कि वह एक पीजेंट लीडर थे, यानी कि किसानों के नेता थे। ठीक है ना, अब देखो पीजेंट लीडर होने के बाद में इन्होंने सबसे पहला सवाल जो पीपीएस में पूछा गया था कि पीजेंट मूवमेंट इन बिहार यानी किसानों के लिए जो आंदोलन बिहार में सर्वप्रथम किसने चलाया, तो दोस्तों वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन था आपका। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें, तो दूसरा सवाल यहाँ पे हम लोग का ये बनता है कि जब इससे वो देख लिए कि किसानों के लिए आंदोलन चलाना, भाई एक संगठन का जरूरत पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप चाना भाड़ फोड़ लीजिएगा, तो उन्होंने एक संगठन का गठन किया जो कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा था। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब स्थापित हुआ था, 1929 में किसने स्थापित किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अब बात आता है कि इस सभा के द्वारा उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने दो बड़े महत्वपूर्ण काम किए इस किसान सभा को संगठित करके। पहला, उन्होंने रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, जो कर लिए जाते थे, जमीन के कर होते थे, मालगुजारी हो गया, ये सब जितना चीज़ था उसमें उन्होंने कमी करा दी, रिडक्शन करा दिया कि भैया इतना नहीं इतना नहीं कम टैक्स लिया जाए। साथ ही साथ जो ज़मींदार लोग थे जो पैसा बहुत खा सारा खा जाते थे, ठीक है ना, किसानों के जो अथि के लिए, मतलब किसानों की वृद्धि के लिए, जैसे आज के टाइम पे होता है कि डीलर लोग से पैसा खा जाता, वैसे ज़मींदार लोग से पहले पैसा खा जाता था, तो इस प्रकार से इन्होंने दो बड़े महत्वपूर्ण काम किए। फिर 1936 में उन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा जब बनी तो उसमें उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर सर्व किया, क्योंकि इनकी काबिलियत को देखते हुए, बिहार में किसानों के लिए काम करते हुए देखते हुए ऑल इंडिया किसान सभा के जितने भी सदस्य थे उन्होंने फैसला किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम क्या करेंगे भैया, पहला प्रेसिडेंट बनाएंगे। और ये 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा थी कहाँ पर बनी थी, तो लखनऊ में बनी थी। ठीक है ना, ये सारे बीपीएससी आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आप क्या होता है आफ्टर गांधी जी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन चंपारण, क्योंकि देखो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का जब सफल हुआ था तभी से वो इंस्पायर हो गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे और बिहार को और बिहार के किसानों की बातों को अपने अलग ढंग से रखने लगे। सरदार पटेल के साथ वो काफ़ी किसान सभा भी भारत में किए, ठीक है ना, सरदार पटेल से भी वो काफ़ी इंस्पायर थे, क्योंकि सरदार पटेल ने भी किसानों के लिए मिल स्ट्राइक में, ये सब चीज़ों में, काफ़ी खेड़ा सत्याग्रह में काफ़ी, मतलब अपना योगदान दिया था। उसके बाद इन्होंने देखा कि भैया अब हमें एक बढ़िया एक दंड इन्होंने लिया, मतलब दंड मतलब एक शपथ लिया, ठीक है ना, अपना मतलब जो दीक्षा बोलते हैं ना किसी गुरु से लेना, इन्होंने दीक्षा जो ग्रहण किया था वो स्वामी अच्युतानंद से किया था। तो एक सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि स्वामी अच्युतानंद कौन थे, तो वो थे गुरु, क्योंकि भैया स्वामी सहजानंद सरस्वती के, जिनसे उन्होंने दंड लिया, यानी अच्युतानंद सरस्वती ने स्वामी सहजानंद को दंड दिया था, क्योंकि ये दंड ग्रहण कर चुके थे यानी दीक्षा ग्रहण कर चुके थे, तो इसलिए इनको दंडी स्वामी भी कहा जाता है, ये पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। फिर सहजानंद सरस्वती ने कई सारी किताबें लिखी, जैसे भूमिहार ब्राह्मण परिचय, ब्राह्मण समाज की शक्ति स्थिति, खेत मजदूर जमींदारी का खात्मा हो, भूमि व्यवस्था, ये सब चीज़ों देखो एक तरीके से देखा जाए जितने भी इन्होंने किताबें लिखी, जितने भी रचनाएं की, जितने भी चीज़ें पब्लिश की इन्होंने, इनसे यह पता चलता है कि किसानों के प्रति काफ़ी लगाव रखते थे। तो किसानों के प्रति लगाव रखने से एक चीज़ तो क्लियर हो गया लोगों के मन में कि भैया ये हमारा किसान का नेता है, ठीक है ना, तो इस वजह से लोगों के मन में काफ़ी इम्पैक्ट इनका पड़ा कि भैया ये जो कर रहा है किसान के लिए कर रहा है। ठीक है, इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, ठीक है ना, मतलब अपनी जीवनी लिखी जो कि मेरा जीवन संघर्ष है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मेरा जीवन संघर्ष किसने लिखा भैया, किसकी जीवनी है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की है, जो कि 1952 में लिखी गई थी। और ये पब्लिश कब हुई है, 1952 में पब्लिश हुई, और सबसे पहले हिंदी भाषा में पब्लिश हुई थी, पर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया रामचंद्र
प्रधान ने, जो कि गांधी जी के स्कॉलर थे और एक्टिविस्ट भी थे, ठीक है ना, मतलब गांधी जी के फॉलोवर थे एक तरीके से कह सकते हैं। तो रामचंद्र प्रधान जो थे उन्होंने मेरा जीवन संघर्ष को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो स्वामी जी जो थे ना उन्होंने एक तरीके से कहे तो कई लोगों के, कई सोसाइटी के लोगों के ड्रीम्स को एक जगह लाया और इकट्ठा करके देश को आगे बढ़ाया। इस तरीके से वो बिहार में फार्मर के वॉइस बने, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी फार्मर के वॉइस बने, जो कि ना सिर्फ उनके राइट्स का रक्षा किया, साथ ही साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट उनको लड़ने में भी हेल्प किया। अब इनकी याद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जून 2000 को एक स्टैंप जारी किया है जो कि रामविलास पासवान द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों ये सब क्योंकि ये बहुत बड़े नेता थे तो इनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं और सारे पेपर में हुए सवाल हैं, ठीक है। और इनको ही अवार्ड किया गया था ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा, इनको एक्सटेंशन साइंटिस्ट वर्कर अवार्ड के रूप में इनको नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों ये था स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनसे आए हुए जितने भी टू द पॉइंट ऑफ फैक्ट सवाल जितने पेपर में पूछे जाते हैं ये स्वामी सहजानंद सरस्वती से। एक सवाल तो आपका पक्का फंस जाएगा, अगर आएगा तो आप आराम से बना दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भाई साहब कुछ और नहीं, एकदम किसान के नेता थे। किसान से रिलेटेड जितना चीज़ बिहार में होगा वो स्वामी सहजानंद सरस्वती से मैक्सिमम रिलेटेड होगा, ठीक है। आप लोग बाकी प्रीवियस पेपर उठा करके देख सकते हैं, मैं प्रीवियस पेपर का भी यहाँ पर आपको सबको सोल्यूशन करा दूँगा। अब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, देखते रहिए एंड लाइक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।